दोस्तों यमहा MT-15 यमहा कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट नेकेड स्पोर्ट बाइकों में से एक है। और जब मैंने इसका रिव्यू किया ना, तो वाकई में इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, और वो इस बाइक को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। मतलब मिला जुला के ये है कि यमहा MT-15 की जो खूबियाँ हैं ना, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है। अगर आपकी फेवरेट बाइक है फिर तो ये वीडियो भी आपकी एकदम फेवरेट होने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ आपको बताएंगे, बुराइयाँ भी बताएंगे, जो कि इसके जस्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि यमहा की MT-15 में क्या खूबी हमें मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहली खूबी की बात करते हैं, तो यमहा MT-15 काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट मुझे लगती है। अगर आप इसे ओवरऑल देखते हैं, चारों तरफ से 360 व्यू में देखते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट इसका डिज़ाइन कंपनी ने कर रखा है। और ये सिटी राइड अगर आप करते हैं तो उसके लिए मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही बाइक है। आपको जो है राइडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइट वेट होने की वजह से आप अच्छे से हैंडलिंग का आनंद ले पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि जो इसका लाइट वेट डिज़ाइन और एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ना, वो मुझे इसका पहला एडवांटेज लगता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अगली खूबी की, तो वो ये है कि इसमें जो आपको साइड स्टैंड मिलता है, इसमें आपको इंजन कट की सुविधा उपलब्ध है। अगर इसका साइड स्टैंड लगा होगा तो यमहा MT-15 स्टार्ट नहीं होगी, इसका इंजन कट रहेगा। और जैसे आप साइड स्टैंड हटाते हैं तो इसका इंजन आप ऑन कर पाएंगे, मतलब आप ओवरऑल बाइक को ऑन कर पाएंगे। तो ये सुरक्षा के हिसाब से ना बहुत सही चीज़ मुझे लगती है। और उसी में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यमहा MT-15 में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। तो अगर आप डाउन शिफ्टिंग करते हैं इमिडिएटली तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है स्लीपर क्लच की वजह से। अगर जो लोग नहीं जानते भाई लोग कि क्या होता है स्लीपर क्लच, तो मैं बता दूं कि अगर आप चौथे पांचवें गियर पे हैं और अचानक से आपको जो है क्विक शिफ्टिंग करनी है, पहले या दूसरे गियर पे आने हैं, तो वहाँ पे स्लीपर क्लच बहुत सपोर्ट करता है। आप इमिडिएटली जो है शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी बाइक जो है आपको झटके ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा मुझे एडवांटेज लगता है, दूसरी जो अच्छाई है वो लगती है। बात अगर इसके अगले एडवांटेज की करें तो वो इसके माइलेज से रिलेटेड है। अब भाई लोग बोलेंगे कि माइलेज को एडवांटेज या डिसएडवांटेज में कैसे शुमार किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनली यमहा MT-15 जो कि मेरे एक बहुत खास है, मैं बहुत जल्दी उनका ओनर रिव्यू लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा बाइक चल ले तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, वो अच्छे से एक्सपीरियंस बता पाएंगे। तो जो मैंने देखा है उसमें माइलेज मिला है यमहा MT-15 में, वो काफ़ी बेहतर मिला है। लगभग कंपनी 45 प्लस का माइलेज जो है क्लेम करती है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 45 को ऊपर का माइलेज मिलेगा, लेकिन 40 से 45 के बीच का माइलेज आपको यमहा MT-15 में मिल जाएगा। तो ये 155 सीसी की बाइक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पावर मिलता है और टॉर्क भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप जो है 40 से 45 के बीच का माइलेज अगर निकाल लेते हैं तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है। दोस्तों अगर हम बात अगर अगले एडवांटेज की करें तो वो भी इसके इंजन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो इंजन में पावर मिलती है ना, वो लगभग जो 200 सीसी की बाइक्स होती हैं उनके सिमिलर पावर देखने को मिलती है। और यही एक वजह भी है कि यमहा MT-15 काफ़ी कॉस्टली बाइक भी लगती है। जो अगली वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बुराइयाँ करेंगे उसका इंतजार करिए, उसमें आपको एक एक चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो ये मुझे एक इसका अगला एडवांटेज लगता है, क्योंकि अगर पावर की मैं बात करूँ तो 18.5 PS की इसमें पावर मिलती है। 155 CC का ही इंजन है, लेकिन 18.5 PS की पावर इसमें आपको जो बाइक है वो प्रोवाइड करती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 200 CC की बाइक देखें तो उनके लगभग जो है इसका पावर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें पावर आपको काफ़ी बेहतर मिलता है, ये इसका एक एडवांटेज है। अगर अगले एडवांटेज की मैं बात करूं तो वो एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो मैं आप लोगों के थ्रू ही बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैंने इंटरनेशनल कलर जिसका आइस फ्लू व मिलियन के नाम से है, अगर उसकी जो मैंने वीडियो डाली थी, आपको यहां पे आई बटन मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं काफी प्यारा कलर लगता है। उस पर जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें से ज्यादातर कमेंट्स में भाई लोगों ने ये चीज बोली है कि जो इसका लुक है वो उनको बहुत साफ लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब रोड पर यह बाइक चलती है तो आई कैचिंग लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि इतने ढेर सारे कमेंट्स थे तो वो चीज मैं शुमार करता हूं इसके एडवांटेज में। तो ये पांच एडवांटेज मैंने आपको बताए यमहा MT-15 के बारे में। इसके अलावा भी अगर कोई खूबी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी DavidRahulGR पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, रेडी रहिएगा अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसकी कमियां आपको बखूबी बताएंगे।
तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।